नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं पुनीत जायसवाल, प्रस्तुत है समाचार। दुमका से हमारे संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। उप राजधानी दुमका में आज दुमका जिला के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह की अध्यक्षता में कोर्ट परिसर दुमका में मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने को लेकर विश्वासघात दिवस के तौर पर एवं एक दिवसीय धरना दिया गया। पेट्रोल खुले रहे हैं और ये क्या करके के पास पैसा नहीं है, जहाँ पैसा था वो आपके आदमी प्रधानमंत्री के आदमी वो विदेश लेकर के भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति में विकास हो रहा है। अभी आपने यहाँ पर सुना कि किसानों को, जबकि वो लॉस है 350 रुपया करके 400 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, यही इंश्योरेंस है, इसी को आप विकास कर सकते हैं। और आप ये भी कल्पना करें कि जब जब ये सत्ता में अनुभूतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक एक दूसरे के विश्वास पात्र बनते हुए रहेंगे, लेकिन इनके राज समाज में व्यवस्था फैलाया गया है और इससे आप महसूस करेंगे जो शांति स्थापित करने के पक्ष में खड़ा है। जनता पार्टी के तत्कालीन मेयर अंबानी की संपत्ति में कितना बढ़ोतरी हुआ, टाटा और फिल्ला जैसी कंपनियां, डालमिया जैसी कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई, तो तुम जवाब दो। भाव में फायदा हुआ और इस देश के गरीब लोगों को कितना नुकसान हुआ, कितनी मौतें हुई नोटबंदी से, इसका जवाब देने के लिए क्या तुम तैयार हो? कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि नैतिकता नहीं है, जरा सा भी नैतिकता नहीं है लोगों में। आप अगर 1000 है कि नहीं, आपका एड्रेस क्या है, आपका पैन नंबर है कि नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में 1000 लाखों लोग तबाह हुए। इसकी समापन मोहम्मद शमशाद अंसारी ने किए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह, प्रोफेसर मनोज अम्बस्ट, डॉक्टर सुशील मरांडी, राजा मरांडी, सुमन कापरी, मोहम्मद शमशाद अंसारी, मोहम्मद अशरफ कमाल, सीताराम मंडल, फोपाना किस्कू, बाल मुकुंद, कुंतन पत्रलेख, मोहम्मद महबूब आलम व कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। धन्यवाद।